हाय गाइस, व्हाट्सअप जैसे आकाश, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील्स वीडियो कब से अपलोड करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग के मन में यही क्वेश्चन रहता है कि भाई जब मैं कोई न्यू अकाउंट बनाता हूँ तो उस पर रील कब से डालूँ जिससे हमारे व्यूज़ स्टार्टिंग से ही आने लगे। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूँ कि देखो, आप साइड में देख सकते हो एक अकाउंट है जो कि मैंने केवल 3 दिन पहले बनाया और उस पर एक रील अपलोड किया जिसमें केवल 100 के ऊपर प्लस व्यूज़ हैं, लेकिन जब मैंने सेकंड वीडियो अपलोड किया तो वहाँ पर अभी आप देख सकते हो 3,000 से ज्यादा व्यूज हैं। तो ये मैंने कैसे किया, कैसे नहीं, कैसे व्यूज आया, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है तभी आपको समझ में आने वाला है। और आपसे एक क्वेश्चन था कि आप लोग ये बताओ कि क्या आप लोग यूट्यूबर हो, मतलब यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हो, क्योंकि मैं आपसे कम्युनिटी टैब पर एक बार पूछा था कि क्या मैं यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो बनाऊं। तो इस बात पर मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हूं कि कौन से नीच पर बनाऊं, मतलब कि मैं चाहता हूं कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम के रिलेटेड दोनों वीडियो बनाऊं मैं इस पर, ठीक है, इस चैनल पर। तो आप लोग कमेंट करके जो बताना, बनाऊं कि नहीं, सही रहेगा या नहीं यूट्यूब के रिलेटेड। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो काफ़ी लोग होते हैं कि वो जो पुरानी आईडी रहती है ना उनकी, तो उस पर व्यूज़ तो आता है लेकिन धीरे धीरे व्यूज़ आना बंद हो गए हैं, और जब से एल्गोरिथम चेंज हुआ उनके व्यूज़ जो है वो स्टक हो गए हैं, केवल 400 से 500 आते हैं, ठीक है। और पहले जो था 4,000 5,000 ऐसे व्यूज़ आते थे, लेकिन अब वो लोग सोचते हैं कि मैं न्यू अकाउंट बना लूँ और न्यू अकाउंट पर वर्क करूँ, जिनके पुराने अकाउंट पर आ नहीं रहा है व्यूज़, तो वो चाहते हैं कि मैं न्यू अकाउंट को ग्रो करूँ और उस पर रील डालना स्टार्ट कर दूँ, बट उनके व्यूज न्यू अकाउंट पर आते ही नहीं हैं। तो मैं आपको अब बताने वाला हूं, देखो यार आपको करना है क्या कि आपको एक न्यू अकाउंट बनाना है, न्यू अकाउंट बनाना है न्यू नंबर से, क्योंकि मैंने भी ऐसा ट्राई किया है, न्यू नंबर से बनाया था, और आपको न्यू ईमेल डालना है। कुछ लोग होते हैं कि एक ही नंबर कम से कम 5, 6, 10 आईडी कम से कम बनाते हैं, ओके, तो मैं खुद बना चुका हूं इस तरीके से, इसलिए कह रहा हूं। तो आपको न्यू नंबर से न्यू अकाउंट बनाना है। न्यू अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पर आपको डीपी लगा देना है, यूजर नेम अच्छे से लिख देना है, जो भी आपको अच्छा लगे उसको चूज कर लेना, एंड उसके बाद नाम लिखना है, बायो लिखना है, और वहाँ पर इंस्टाग्राम में कुछ क्राइटेरिया मांगता है, जैसे कि आप 4 पोस्ट अपलोड करो, उसके बाद इनसाइट पर क्लिक करो, उसके बाद कुछ लोग को इनवाइट करो, 4 स्टेप आते हैं जो कि आपको कंप्लीट करना है, और उसी टाइम आपको प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर देना है अपने अकाउंट को। प्रोफेशनल में जब आप कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पर कैटेगरी आती है, तो कैटेगरी आपको पब्लिक फिगर पर चूज कर देना है, या तो आप अपने हिसाब से कि आप क्या वर्क करते हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, जैसे वीडियो क्रिएटर हो गया, डिजिटल क्रिएटर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, डांसर हो गया, अपने हिसाब से आप कोई भी चूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सब कुछ कंप्लीट कर लो उसके बाद आपको उस आईडी से कुछ भी नहीं करना है, आपको 3 दिन तक छोड़ देना है। अब आपको 3 दिन तक क्यों छोड़ना है ये मैं आपको बता दूं, तो देखो यार रील सेक्शन आने में कभी कभी टाइम लगता है न्यू अकाउंट पर, और कभी कभी होता है कि 1-2 मिनट बाद ही आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको रील एक भी अपलोड नहीं करना है, ना पोस्ट करना है, ना स्टोरी लगाना है, ना कुछ भी करना है आपको। एंड उसके बाद जब आप 3 दिन हो जाएगा ना, 3 दिन होने के बाद आपको दोबारा से अपने अकाउंट पर जाना है, मतलब वो अकाउंट को ओपन करके नहीं रखना है, आपको दूसरे अकाउंट पे आ जाना है 3 दिन तक, जब गैप दोगे तब, ठीक है। उसके बाद 3 दिन के बाद आपको दोबारा से उसी अकाउंट पे जाना है। उस अकाउंट पे जाने के बाद आपको जिस टाइप का वीडियो बनाना चाहते हो, मतलब जिस कैटेगरी का आप वीडियो बनाना चाहते हो, जैसे सैड हो गया, या लव हो गया, या ब्रोकन हो गया, इस टाइप की वीडियो अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो एक्सप्लोर पेज में सर्च करना है, कुछ रील को जाके लाइक कर देना है उसी टाइप की, एक्सप्लोर पेज में सबसे पहले जाना है आपको, ओके, और कुछ रील को आपको लाइक कर देना है जिस टाइप की आप रील पसंद करते हैं। उसके बाद आप रिफ्रेश करोगे तो वहां पर रैंडम लोगों की रील हट जाएगी और केवल वही रील सजेस्ट करेगी, एक्सप्लोर पेज में दिखेगी आपके, जो आप देखना चाहते हैं, जिस कैटेगरी के आप पसंद करते हो, जिस टाइप की वीडियो आप बनाना चाहते हो। पहले एक्सप्लोर पेज पे जाके कुछ रील को लाइक करना है कुछ बंदे के, और उसके बाद आपको रील सेक्शन में आ जाना है। रील सेक्शन मतलब जो बीच में रील दिखता है, जिसपे आप सब लोग रील देखते हो, उस पे भी जाके आपको 4-5 बंदों की रील को लाइक कर देना है और उनको फॉलो भी कर लेना है। 4-5 लोग को फॉलो कर लो, ज्यादा लोग को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिस टाइप की बनाते हो रील उस टाइप लोगों को फॉलो करना है और उनकी रील को लाइक कर देना है। एंड उसके बाद ये होगा कि इंस्टाग्राम समझ जाएगा कि आप किस टाइप की रील देखना पसंद करते हो, आपके एक्सप्लोर पेज में भी उसी तरीके से रील आने शुरू हो जाएगी और आपके रील सेक्शन में भी उसी तरीके की रील आना शुरू हो जाएगी। तो वो इंस्टाग्राम समझ जाएगा और वो एल्गोरिथम के हिसाब से आपकी रील जो है वो चेक करने लगेगा, और जब आप रील डालोगे 3 दिन बाद तो आपको फीड पोस्ट ऑन करके डालना है और गैलरीज कोई अच्छी वीडियो एडिट करके रखो, सेव करके रखो, और उसी एक नीच पर आपको रील बनानी है। अगर आप एक नीच पर रील बनाओगे ना तो इंस्टाग्राम समझ जाएगा कि
आपकी जो रील है वो किस लोगों तक ले जानी है, मतलब किस ऑडियंस तक ले जानी है। अगर आप एक रील अच्छे से बनाएं और उस पर पोस्ट कर दिए तो आपके ना स्टार्टिंग में तो व्यूज़ नहीं आएंगे, 16-17 आएंगे, लेकिन दूसरे दिन आप देख रहा हूँ कि उस पर आपके व्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, 70, 78, 100, 200। ठीक है, तो आप लोग डीमोटिवेट मत होना कि भाई इसमें केवल 100 व्यूज़ आए उसके बाद आ ही नहीं रहा है। तो आपको दोबारा से 2 दिन गैप देना है, 2 दिन गैप देना है एक रील अपलोड करने के बाद। दूसरे दिन फिर आपको न्यू रील अपलोड करना है और उस पर देखोगे कि आपके व्यूज़ आ जाए। जैसे कि आप लोग साइड में देख सकते हो कि मेरे व्यूज़ आ गए। ठीक है, मैंने भी ऐसे किया था, 2 दिन बाद अपलोड किया और व्यूज़ आराम से आ गए। ओके, देखो जब आपके व्यूज़ आ जाएंगे ना स्टार्टिंग में, जिन बंदों तक वो रील गई होगी, एक्सप्लोर में जाती है स्टार्टिंग में, ओके, और जो लोग लाइक किए होंगे उन्हीं तक दोबारा से आपकी रील जाएगी जब आप दोबारा अपलोड करो। अगर आप एक ही न्यूज़ पर रील अपलोड कर रहे हो तो आपके आराम से व्यूज़ आने लगेंगे। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो, मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। और न्यू अकाउंट ग्रो कैसे करना है इसके लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जो बताना। तो आज बस इतना ही, वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।